जैसा कि इंडक्शन अभी देख पा रहे होंगे, इसको हम लाइन ये देख पा रहे होंगे, लाइन इसमें दे दिए हैं और यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। ये देख पा रहे होंगे गाइस, ई और ओ लिखा रहा है, यही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। शुरू में ये स्टार्ट होता है और उसके बाद ई ओ दिखाना शुरू हो जाता है। तो और किसी किसी में ई फोर, ई फाइव, ई सिक्स बहुत तरह से दिखाया जाता है। तो गाइस इसको पहले हम ओपन करेंगे, जो कि देख पा रहे होंगे इधर छः स्क्रू पर टाइट रहता है, टोटल चार स्क्रू पर, जो कि देख पा रहे होंगे ये होल है स्क्रू का। इससे स्क्रू सर आप पहले हम खोल के रखे हुए हैं ताकि कम ही समय में आपको जो होता है वो हम बता सकें। तो गाइस ये ओपन कर दिए हैं इस तरह से। स्क्रू खोलने के बाद फाइनल देख पा रहे होंगे इसमें क्या सब है। एक डिस्प्ले किट यहाँ है और ये क्वाइल है और ये सेंसर हीटिंग है, जो कि इसका ही मेन भूमिका होता है गाइस। ये बार बार रुकने का जो कारण होता है, ज़्यादातर कारण इसी का होता है। और ये फैन है जो कि यहाँ से अंदर से हवा लेता है और इसको ठंडा करता है। तो फैन का यही काम है, जब गर्म होता है तो इसको ठंडा कर देता है। और गाइस इसके अंदर क्या सब प्रॉब्लम होता है यह जानेंगे, तो इसको पहले हम खोल लेते हैं। इस सेंसर का लाइन यहाँ पर आया हुआ है जो कि इस जैक में है, यह जैक को पहले खोलना पड़ेगा। तो गाइस ये जैक खोल दिए हैं और खोलने के बाद फाइनल इसको इस साइड कर दिए हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर बार बार रुकता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसको पहले हम चेक करने के लिए जानेंगे कैसे यह पता चलेगा ये ख़राब है या सही है, तो इसके बारे में पहले जानने वाले हैं। तो गाइस इसको जानने के लिए पहले मल्टीमीटर को लेना होगा और मल्टीमीटर को हम ओम्स रेजिस्टेंस चेकिंग करने वाले पर सेट करेंगे, जो कि देख पा रहे होंगे ये सेट कर दिए हैं। ये फाइनल सेट करने के बाद गाइस यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो आया हुआ है इसका सेंसर हीटिंग का, दोनों पर हम लीड लगाएंगे। तो गाइज यहाँ पर इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, किसी में कोई हम लीड को लगा सकते हैं। तो इस साइड हम पॉजिटिव लीड को लगाए हैं और इधर हम ये देख पा रहे होंगे निगेटिव लीड को लगाए हैं। और गाइस ये देख पा रहे होंगे, देखिए गाइस यहाँ से हिल जाता है वैसे इसको। तो गाइज यहाँ पर लगा चुके हैं और यहाँ जो देख पा रहे होंगे ये अभी धीरे 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 ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, जहाँ तक इसका लास्ट होगा वहाँ तक ये बढ़ता ही रहेगा। तो गाइज ये देखिए 70.3 हो गया। और जैसे हम इसको दबाएंगे, मतलब थोड़ा सा इसको हीटिंग दबने से हीट होता है, तो गाइज जब दबेंगे ये धीरे धीरे घट जाएगा, जो कि अभी आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए हम प्रेस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है। तो गाइज देख पा रहे होंगे ये डाउन होता चला जाएगा, चार हो गया, तीन, दो, एक, 69 हो गया गाइज, ये इसी तरह से घटते जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये मेरा सेंसर हीटिंग सही है। ये देख पा रहे होंगे फिर जैसे छोड़ेंगे बढ़ते चले जाएगा, 4, 5, 9, ये अब 70 हो गया। तो गाइज इसी तरह से बढ़ते रहता है, जो कि देख पा रहे होंगे ये बढ़ रहा है। सो गाइज जैसा कि इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका जो चेक करने का, यह भी हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि ये सोल्डिंग आयरन अभी गर्म है, इस आयरन को हम इसके नज़दीक लाएंगे तो ये बिल्कुल घटने लगेगा, जो कि देख पा रहे होंगे ये हम ला रहे हैं, इसका नज़दीक कर रहे हैं। ये देखिएगा बिल्कुल डाउन हो रहा है, जो कि देखिए कितना डाउन हो रहा है। तो गाइज इस तरह से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह का हीट सेंसर गाइज टोटल 4-5 होते हैं, जो कि देख पा रहे होंगे इसमें, यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ एक जगह है और यहाँ है गाइज, और देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो गाइज यह सब भी ख़राब होता है, इस सब को भी चेक कर लेना है उसी तरह, जो कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर मल्टीमीटर में वही ओम सेट किया हुआ है। और ये भी चेक हम कर रहे हैं, तो देखिए ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, बढ़ना चाहिए गाइस धीरे धीरे तो सही होता है। तो और ये देखिए ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी सही है, इसको चेक हम कर लेते हैं। तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, एक पीस बचा है, ये भी देखिए। तो गाइस ये देखिए ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी सही है। और गाइस इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होने वाली जो है ये सही है। तो दूसरा प्रॉब्लम गाइस इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कला टाइप में ये फ्यूज है, ये फ्यूज भी ज़्यादातर ख़राब होता है, बार बार शॉर्ट सर्किट अगर ओवरलोड वगैरह कुछ भी होता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। तो इसको भी हम अब यहाँ पर सेट करेंगे, ये देख पा रहे होंगे ये भवरेट पर सेटिंग किए हुए हैं, ये देखिए इसको हम फ्यूज को चेक करेंगे। पहले फ्यूज के दोनों ओर लगा कर देखेंगे, ये बता रहा है या नहीं बता रहा, ये देखिए साउंड भी बज रहा है, ये बिल्कुल फ्यूज सही है, फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज इसमें यहाँ पर ऐसी है, जो कि देख पा रहे होंगे ये ऐसी भी अगर ख़राब होता है तो ऐसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइज यह जो बार बार रुकता था, इसका मेन प्रॉब्लम था गाइज ये फैन,
जो कि देख पा रहे होंगे, ये पुराना फैन है, इसी में था, ये बिल्कुल जम चल रहा था और ये ख़राब था, ये घूर नहीं रहा था, जिसका कारण है कि बार बार रुक जाता था। अगर इसमें ज़्यादातर कचरा वगैरह फंस जाता है तो यह चलने नहीं लगता है, जिसके कारण होता है चलते चलते ये ऑटोमेटिक रुक जाता है, गर्म नहीं करने लगता है। इसलिए गाइस हम यहाँ फाइनल इस फैन को खोलकर इस फैन को डायरेक्टली हम चेंज कर दिए, ताकि कोई कंप्लेन ना हो, ऐसा ना हो दो दिन चार दिन चले फिर शिकायत आ जाए। इसलिए फाइनली इस फैन को ही चेंज कर दिए, तो बिल्कुल अभी सही वर्क करेगा, क्योंकि फाइनल आपको चेक भी करके अभी दिखाएंगे ये कैसे वर्क करता है और वर्क सही से करता है कि नहीं। पहले सारा स्क्रू को अभी हम टाइट कर लेते हैं। तो गाइस सारा स्क्रू करने के बाद इस जग को लगा देना है, जो कि हीटिंग सेंसर का है, ये जग को लगा दिया है। वापस फिर इसको ऊपर से लगा देना है इस तरह से, फिर पीछे से सारा स्क्रू को टाइट कर देना है। तो गाइस ये कर दिए हैं। चेक करने के बाद गाइस फाइनल कोई भी ये स्टील का बर्तन लेना है, जो कि देख पा रहे होंगे ये स्टील का बर्तन है। फाइनल गाइस अब इसमें हम लाइन लेने वाले हैं, तो लाइन दे दिए हैं, देख पा रहे होंगे गाइस से अभी 210 दिखा रहा है, अभी चालू नहीं है, यहाँ से प्रेस करेंगे। और ये देखिए अभी 1400 पर चल रहा है, 1400 पर ये बिल्कुल अभी सही वर्क चल रहा है। ये फाइनल देखते हैं ये गर्म हो रहा है नहीं, ये गर्म हो रहा है, कुछ देर में पता चल जाएगा। तो गाइस ये देखिए धीरे 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 ये पूरा गर्म हो रहा है, ये रुक भी नहीं रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे फाइनल एक मिनट के बाद आपको ये दिखा रहे हैं, तो ये नहीं रुक रहा है। और भी आप देख सकते हैं इसकी कर करके ये बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सही है। इसमें फैन का ही प्रॉब्लम है, और जितना हीटिंग सेंसर के बारे में बताया वह भी ख़राब होता है, सेम यही प्रॉब्लम आती है, तो वो भी आप चेंज करके सही इंडक्शन को घर में चेंज कर सकते हैं, कहीं भी जाने का आपको ज़रूरी नहीं है। और भी कई तरह का प्रॉब्लम इंडक्शन में आती है गाइस, अगर नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इस चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे जो भी नए वीडियो बनाए आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।